प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग को स्टडी कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोरेटा हम अलॉटमेंट कर सकते हैं जो हमें एक्सेस मनी प्राप्त हुई है एप्लीकेशन के टाइम। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अर्थात कभी कभी हम जब शेयर्स इशू करते हैं, शेयर तो कम इशू हुए हैं पर एप्लीकेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करते हैं उनका पैसा उनको एकदम वापस नहीं करते, बल्कि अलग अलग जो अलाउटमेंट के समय हमने पैसा लेना है, जो कॉल्स के समय हमने पैसा लेना है उसमें एडजस्ट करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम शेयर इशू करते हैं तो तीन तरीके से हम पैसा लेते हैं शेयर होल्डर से। फर्स्ट एप्लीकेशन के समय, सेकंड अलाउटमेंट के समय, थर्ड कॉल के समय। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये एप्लीकेशन जो मनी है एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के समय और कॉल्स के समय। बाकी जितना पैसा होता है एप्लीकेंट जो जिसने शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको वापस कर देते हैं। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए लिमिटेड मेड ऑन इशू ऑफ 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, पेबल ऑन 3 ऑन द एप्लीकेशन, 5 ऑन द अलॉटमेंट एंड 2 ऑन द कॉल। इसका मीनिंग ये है कि एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किए हैं 30,000, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 30,000 और जो पैसा है कंपनी लेगी 10 रुपए, एकदम नहीं ले लेगी शेयर होल्डर से, धीरे धीरे करके। पहले 3 रुपए लेगी एप्लीकेशन की मनी है कि भैया हमें 3 रुपए दे दो, बाकी कितने हैं कि 7, उसमें से 5 यहाँ ले लेगी, 3 और 5 8 रुपए अलॉटमेंट के टाइम, हो सकता है 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, और 2 रुपए लेगी कॉल के समय, यानी 8 रुपए थे 2, ये हो गए 10, तो ये 3 महीने या 4 महीने के बाद फिर पैसे लेगी, तो 10 रुपए कंपनी लेगी एक शेयर का, इशू किए 30,000। पर कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी थी कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने 93,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी उनका उन्होंने एप्लीकेशन मनी क्योंकि है वो है 3 रुपए, सभी का 3 रुपये हमें प्राप्त हो गए, देने थे 30,000, इसका 30,000 का 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपये आना था और हमें ज़्यादा प्राप्त हुए हैं 93,200 का 3 एप्लीकेशन मनी। तो इतना ज़्यादा पैसा आया है, क्यों ना जो कंपनी सोचती है नियम के अनुसार कि इसको अलाउटमेंट के समय एडजस्ट कर लेंगे, देंगे हम 30,000 ही शेयर्स, अलॉटमेंट के समय जो ड्यू होगा 5 रुपए वो एडजस्ट करेंगे इससे जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी। और तो कंपनी ने एक नियम बनाया, कंपनी कहती है कि देखो जिसने अप्लाई किया थे 21,500 उसको मिलेंगे 10,200 शेयर्स। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो ये मैंने एक टेबल बना दी है प्रोरेटा टेबल्स, इससे ये पता लगेगा कितना एग्जैक्ट हम सरप्लस रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है, पहला डब्बा है, उसमें शेयर अप्लाइड किए हैं 21,500, मैं यहाँ लिख दिया, इनको शेयर्स मिले हैं 10,200। तो ये हो गए ना प्रोपोर्शनेट, मीन्स सभी शेयर होल्डर को सभी शेयर नहीं देने, सभी को कम कम शेयर्स दो, मीन्स अभी लगभग हमने इसको 50% शेयर्स दे दिया जितने इसने अप्लाई किए थे 10,200। अब इसने अप्लाई किए हैं 50,600, हमने जस्ट इसको 12,600 दिए हैं, इट मींस 1/5 हिस्सा लगभग हमने उसको शेयर्स दिए हैं। 50,600 के लिए अप्लाई किया था, हमने इसको दिए हैं 12,600 दिए। अब एक है एप्लीकेंट, उसने 21,100 के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 7,200 शेयर्स दिए, 21,100
100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, दिए हैं हमने 7200। ये नंबर्स हैं, कितने अप्लाई किए थे, कितने उनको शेयर्स अलॉट किए गए, कितने दिए हैं। तो इसका टोटल जो होगा वो बनेगा 93200 के लिए अप्लाई किए थे और मिले हैं 30000। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप समझ गए, ये दो अभी मैंने टेबल को फिल किया है। अब तीसरे टेबल पे आता हूं मैं। तीसरे टेबल में क्या है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितने एप्लीकेशंस आई हैं नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, उसको एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये। तो 3 से 1 कॉलम को हमने गुना कर देना है। 21500 को 3 से गुना करो तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 1 3 1 4 3 2 6। तो मैं इसमें देखता हूं 64500 है, ऐसी 50600 को 3 से गुना किया तो 151800 आ गया। और इसके बाद है 63300 आ गया। तो टोटल एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई 279600। ये हमें टोटल एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो गई है। अब क्या करना है कि जो एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी है, जितने शेयर्स अलाउड होते हैं उसकी, उसको गुना करते हो एप्लीकेशन रेट से। एप्लीकेशन रेट है 3, तो अलाउमेंट तो ये है, कंपनी ने दिए कितने, कंपनी इशू किया 30000, उसको 3 के साथ गुना करेंगे, वो इस प्रोपोर्शनेट में है। 10200 किसी को दिए, 12600 किसी को दिए, 7200 शेयर्स किसी को दिए, तो उसकी मैं प्रोपोर्शनेट बना लेता हूं। 10200 को 3 से गुना किया तो 3 2 6, ये 3, और इसको ऐसे ही मैं लिखता जाता हूं 37800, 21600। तो इतनी एप्लीकेशन मनी ड्यू है 90000। देखो ये एप्लीकेशन मनी ड्यू है, अर्थात कंपनी ने शेयर होल्डर से लेनी ही लेनी है, क्योंकि ये शेयर्स इश्यू हो गए हैं और उसकी एप्लीकेशन मनी लेनी ही लेनी है। तो कंपनी ने सरप्लस प्राप्त किया, कंपनी ने ज्यादा पैसा प्राप्त किया, जो ये पहले वाला था इससे 64500 प्राप्त किया, लेना था 30600। तो एक्सेस कितना, सरप्लस 3 में से 4 घटा दो, तो मैंने 3 में से 4 घटा दिया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ तो इसका एक्सेस है 33900। इसके पास, इस जो शेयर होल्डर हैं इनके पास 33000। मान लो ये 1 2 3 व्यक्ति हैं, मान लो ठीक है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो 33900 हमारे पहले व्यक्ति का हमारे पास है एक्सेस, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का है 114000, ये एक्सेस हमारे पास है। तीसरे व्यक्ति का है 41700। तो ये टोटल हमारे पास है 199600। हमारे पास ये पैसा अधिक है, लेना था एप्लीकेशन के वक्त 90000 और इसमें से घटा दिया, क्योंकि इतना पैसा आया था उसमें से जो लेना था वो घटा दिया, तो इतना पैसा हमारे पास एक्सेस है। अब टाइम आ गया 1 महीना 2 महीने के बाद, हमने अलॉटमेंट मनी लेनी है 2 रुपये 2 नहीं 5 रुपये। तो 5 रुपए को गुना किया शेयर अलाउट्स, जितने हमने अलाउट किए हैं शेयर, उसके साथ दूसरे कॉलम को 5 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि अलाउटमेंट का रेट क्या है 5 रुपये। तो अलाउटमेंट के समय कितने पैसे लेने हैं वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, इसको 5 के साथ गुना करोगे तो कितना होगा, ये हो गया, ये 5 × 10 और 10 ये यहाँ पर डाल दिया, ये 5 51000। तो अब है, फिर है 63000, उसके बाद है 36000, अब ये आ गया 150000। पहले 90000 एप्लीकेशन लेने थी, हो गया, उसके बाद हमारे पास एक्सेस है 1,99,600।
ठीक है। और फिर हमें हमारे पास 1,50,000 का हमने लेने अलॉटमेंट के समय, तो इसको घटाएंगे सरप्लस जो है हमारे पास, हम अपने शेयर होल्डर के पास नहीं जाएंगे, हम इस मनी से ही घटा देंगे जो सरप्लस है 33,900 है, लेना है कौन जा जाए, यानी वो सरप्लस जो है वो यूज हो गया, ये सरप्लस यूज हो गया, 5 में से 6 घटाए, यानी ये शो करना है 5 माइनस 6। पर अगर सरप्लस कम हो, अलाउटमेंट ज्यादा हो, तो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, तो यहाँ 33,900 शो करना है। अब हमारे पास एक्सेस है एप्लीकेशन मनी 1,14,000, लेना है 63,000, तो घटा दीजिए, तो घटा के कितना आ गया, ये जो मैं इसमें से घटा रहा हूँ 63,000। तो देखो एक बात और है कि यूज सरप्लस यूज किया है, इसको नहीं लिखते यहाँ, तो 63,000 जो है टोटल कंज्यूम हो गया, हमने लेने थे 63,000, अभी हमारे पास है 1,14,000, पूरा 63,000 हम ले लिया। ऐसे शेयर होल्डर से और पैसा नहीं लेंगे अलॉटमेंट का, ऐसे ही 36,000 है ये भी हमने उसका एक्सेस कंज्यूम कर लिया, सरप्लस यूज फॉर अलॉटमेंट। तो ये टोटल मनी है जो यूज हो गया सरप्लस, तो वो बनता है हमारे पास 1,32,900। अब हमारे पास सरप्लस फॉर कॉस्ट, देखो जो पहले वाला शेयर होल्डर था, पहले वाला, उसके पास कुछ एक्सेस ही नहीं है, 33,900 था, लेना था 51,000, अब कुछ एक्सेस बचता ही नील, कुछ भी एक्सेस नहीं बचता। अब आप आ जाइए कि इसके पास 63,000 ले लिया, 1,14,000 सरप्लस था, 1,14,000 में से 63,000 घटा दीजिए, तो यहां हमारे पास जो सरप्लस रहता है 51,000। ऐसे 41,700 में से 36,000 घटा दीजिए तो कितना आ गया 5,100। ये हमारे पास एक्सेस मनी रह गई है जो कॉस्ट के लिए यूज हो गई, तो कितनी हो गई, ये टोटल इसका हो गया 55,700। अब कॉल्स का टाइम आया, मान लो कि 5 महीने बाद कॉल की मनी है 2 रुपये, जो कि हम शेयर होल्डर ने कंपनी ए कंपनी को देने हैं, तो ए कंपनी कहती है यार जितना जिसका सरप्लस पड़ा है ठीक, उसमें से मैं एडजस्ट करती हूँ, बाकी मैं ले लूंगी ठीक है। तो कॉल मनी क्या है, जितने अलाउटमेंट शेयर किए हैं उसको रेट जो है 2 रुपए से गुना कर दो, 10,200 को 2 के साथ गुना कर दो, ये 2 रुपए से, तो ये डबल हो गया 4, और यहां आ गया 2, 20,400। ऐसे ही इसका है 12,600 को गुना किया 2 के साथ, तो 25,200 आ गया, इसका आ गया 14,400 आ गया, तो ड्यू कितनी है मनी 60,000, ये 60,000 है हमारे पास ड्यू। तो सरप्लस यूज कौन सा सरप्लस यूज हुआ, ये सरप्लस है अवेलेबल फॉर पास के लिए, इसके लिए कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास 51,000 बड़ा है, 25,000 इसके लेने हैं, तो टोटल 25,200 कंज्यूम हो जाएंगे, 25,200 सरप्लस अप्लाइड, ये हो गया 25,200। अब 5,700 है, 14,400 लेने हैं, तो 5,700 जो है टोटल, ये वाला 5,700 कम है जो हमारे पास सरप्लस है, टोटल यूज किया जाएगा ठीक। अब हमारे पास इसमें से जो यूज हुआ है, जो जितना था सरप्लस में से घटा कर जितना है वो रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ ये लिस्ट है 11वीं, तो यहाँ मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ, ये 3 तरह के शेयर्स थे, तो 51,000 में से 25,200 घटा दीजिए तो 25,800, पहले वाले में तो कुछ भी नहीं है, निल है, निल, कुछ भी रिटर्न नहीं होगी उसके, उसकी क्या कहते हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया उसका पैसा, उसके कॉस्ट में एडजस्ट हो गया पैसा, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे को 51,000 है, उसमें से 25,200 घटा दीजिए, हम शेयर होल्डर को 25,800 वापस करेंगे।
कर दीजिए उसको पैसा वो रिफंड। तो एंड लास्ट में 5700 है, 5700 है और इसका टोटल ही यूज हो गया, तो ये भी निल है, इसका कोई सरप्लस नहीं है। तो सिर्फ जो एक्सेस मनी थी 151,800 में से जो वापसी है 25,800 की है सिर्फ, बाकी जितने भी हैं इसका पैसा 64,500 भी यूज हो गया, 63,300 भी यूज हो गया। तो ये टेबल है, पहली टेबल एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, दस नंबर और ग्यारह नंबर, तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हो, एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हो कि पैसा वापस करना है शेयर होल्डर्स को, तो वो एंट्री हम पास कर सकते हैं 25,000 जो 800 की है, यदि इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर को सुना समझा। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट डालिए, कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ।